सर को चूज करने का रीजन क्या था? आपको कितना बिलीव था कि सर के पास जाएंगे तो हम एक दिन सिलेक्शन लेकर? कंडीशन सप्लाई की पापा मम्मी के अलावा कोई मर भी जाएगा तो घर नहीं जाएगा। सर का मटेरियल है वो सब एकदम बेस्ट है, उसमें कोई दोराई नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो आज पूरे भारतवर्ष में लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जब आप देखेंगे तो सिलेक्शन का जो प्रतिशत है वो 1% से भी कम है। और जहां पर बहुत सारे छात्र बहुत सारे शिक्षकों के पास पढ़ने में लगे हुए हैं वहां पर सिलेक्शन का परसेंटेज इतना कम है, लेकिन उसके बावजूद जब आप पटना की धरती पर आएंगे तो वहां पर एक ऐसे कोचिंग संस्थान में जाएंगे जहां पर आप अगर थोड़ा सा वक्त बिताएंगे उस कोचिंग संस्थान के ऑफिस में तो कोई ना कोई एक ऐसा छात्र आएगा और वो लड्डू लेकर आता है, वो मिठाई लेकर आता है, अपने गुरुवर को खिलाता है और सिलेक्शन लेटर सर के हाथ में डाल देता है। अभी भी कुछ इसी तरह से 5 ऐसे छात्र हैं हमारे सामने देख रहे हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ पर हैं। एक्चुअली इसका सिलेक्शन हो चुका है इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर। तो चलिए जानते हैं कि जहाँ पर आज प्रतियोगी परीक्षाओं को फेस करना, उसे कम्पीट करना इतना टफ काम हो गया है, उस बीच ये छात्र और यहाँ की ये कोचिंग कैसे इतना बेहतर रिजल्ट दे पाते। चलिए सर से बातें करते हैं और इन छात्रों से बातें करते हैं, किस प्रकार सर ने इन्हें गाइड किया और आज इतने अच्छे पोस्ट पर इन्होंने वो काम हासिल कर लिए। सर वेलकम टू ऑन ड्यूटी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतने सारे रिजल्ट दिए। देखिए मैंने रिजल्ट नहीं दिया है, ये बच्चे इतना मेहनती हैं कि रिजल्ट चल के खुद इनके पास आ जाता है। एक टीचर सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, रिजल्ट लेने का काम बच्चों का होता है। वो इतना मेहनत करते हैं कि उनके पास सक्सेस आ जाता है। इसलिए इसमें योगदान अगर किसी का है तो वो बच्चों का है और उनके माता पिता का है कि उन्होंने ऐसा संस्कार उनको दिया है। एक बार उनके माता पिता के लिए जोरदार ताली हो। सर जिस प्रकार से इंडियन रेलवे में और इस प्रकार स्टेशन मास्टर की पोस्ट जो लेवल 6 की पोस्ट है और इतनी एक अच्छी पोस्ट कही जा सकती है इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग, तो इस पोस्ट पर जाने के लिए छात्र जिस प्रकार से मेहनत करते हैं और इतने छात्रों से ये छात्र सेलेक्टर होकर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद सर एक चीज़ और देखा जा रहा है कि आपके पास रोज सर ऐसे छात्र आते रहते हैं, तो इसमें सर कितना मेहनत? देखिए इसमें हम तो मेहनत करते ही हैं। हम सबसे बड़ा कि जो बच्चे हमारे पास पहुंचते हैं वो इतना अनुशासित होते हैं, इतना संस्कारी होते हैं, इतना लगन होता है, टारगेट के प्रति इतनी धुन होती है उनमें कि वो अपने आप रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। बस एक छोटी सी धारा उनको दिखानी होती है और वो बहते चले जाते हैं। सर अभी ये छात्र सेलेक्ट होकर आए, लेकिन एक चीज़ और देखा जाता है सर, आप अपने चैनल पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है, दिखती है हमेशा कि आपके पास छात्र आते हैं, सिलेक्शन लेटर लेकर आते हैं, आपको मिठाई खिलाते हैं, तो आज भी ये छात्र आए हैं। सर ये इतने सारे छात्र हैं, आपको क्या अनुमान है सर कि अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो इसमें से कितने सारे छात्र आपके पास फिर से वही सिलेक्शन लेंगे? देखिए हमको तो ऐसा लगता है जिस लेवल पे हम मेहनत कर रहे हैं और बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि 100% रिजल्ट होगा। मतलब अगर कोई बच्चा 6 महीना हमसे जुड़ जाता है तो 6 महीना के बाद जो 7वें महीने में वैकेंसी आएगी उसमें उसका रिजल्ट होगा 100%। कंडीशन सप्लाई की पापा मम्मी के अलावा कोई मर भी जाएगा तो घर नहीं जाना है उनको। 6 महीना हमसे जुड़ के और 100% कंटिन्यूटी के साथ अगर वो मेहनत करते हैं 6 महीना में रिजल्ट लिया जा सकता है। थैंक यू सर। कुछ छात्रों से बात कर लेते हैं। अभी ये जो छात्रों को आप देख रहे हैं, जिन छात्रों को ये अभी यहाँ से मोटिवेट कर रहे थे, आप क्लासरूम का माहौल दिखाइए एक बार। ये जितने भी छात्र हैं पूरी तरह से सुन रहे हैं गंभीरतापूर्वक कि क्या यहाँ पर जो सिलेक्टेड पर्सन है वो क्या हमें बातें बताते हैं, सिलेक्शन लेने के लिए क्या जरूरी चीज़ें हैं वही बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। सारे के सारे स्टेशन मास्टर हैं। एक इधर छूट गया। अच्छा हाँ ये थोड़ा कम बोलता है। और ये सभी छात्र सिलेक्टेड हैं। हम सबसे पहले यही जानना चाह रहे हैं कि आप सिलेक्शन के बाद सर के पास आए हैं, सर के पास सिलेक्शन लेटर लेकर आते हैं आप लोग, सर को मिठाई खिलाते हैं आप लोग, सर का क्या योगदान रहा, आज एजुकेशन का क्या योगदान रहा आपको सफल बनाने में? हम लोग सर के बुक से सेट प्रैक्टिस किए थे NTPC का, तो उसमें वो योगदान रहा और वो काफ़ी हम लोग के लिए हेल्पफुल रहा। ओके जब आप पटना आए थे तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो सर को चूज करने का रीज़न क्या था? आपको कितना बिलीव था कि सर के पास जाएंगे तो हम एक दिन सिलेक्शन लेकर निकलेंगे? सर का साइंस का बुक अच्छा होता है, इसलिए सर का जो भी साइंस का हम लोग सीखे हैं सर से सीखे हैं, इसलिए सर का साइंस का बुक बहुत बिलीव था इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। भाई आप जब यहाँ पर आए पटना आए, सर के पास पढ़ाई स्टार्ट कर दिए तो पहले ही दिन से, या फिर आपको बहुत तैयारी करने के बाद पता चला कि हम सिलेक्शन ले लेंगे सर की पढ़ाई के बाद? पहले तो पटना जब आए थे तो उस टाइम तो फिर उनको कुछ पता नहीं था कि कहाँ से कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े, तो एक मेरे भैया थे उनसे गाइडलाइंस लिए कि कहाँ पढ़ाई किए थे वो बताएं इसके सर के बारे में, कि
वहाँ चल जाओ, वहाँ पर सब सब सुविधा मिल जाती है पढ़ने के लिए। तो फिर यहाँ आए तो यहीं पर करीब हम 2016 में यहाँ से जुड़े हुए हैं, 2016 से। हाँ, बाकी बात तो आप देख ही रहे हैं, रियल टाइम जो सरकार मटेरियल है वो सब एकदम बेस्ट है, उसमें कोई दोराई नहीं है कि कोई मटेरियल ख़राब है। बाकी और कुछ पूछना पूछिए। बिल्कुल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो छात्र इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उन छात्रों को किन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और सर का स्टडी मटेरियल, सर की पढ़ाई किस प्रकार से सहायता कर सकती है? इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या है। सर के स्टडी मटेरियल में आपको सिलेबस अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सारा सिलेबस मेंशन है। और सर का जो प्रैक्टिस सेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेली आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट जितना बनाते हैं वो हम लोग को डे बाई डे इम्प्रूव करता है, मेरे गलती पता करता है। जैसे हमको ऐसे पढ़ता हूँ तो नॉलेज लगता है कि ये भी जानता हूँ वो भी जानता हूँ, सब बहुत मतलब ऐसे पता रहता है कि बहुत सारा जानता हूँ। जब तक मैं प्रैक्टिस सेट नहीं बनाऊंगा तब तक मुझे पता नहीं कि कहाँ मेरा गलती हो रहा है, जो कि अगर प्रैक्टिस सेट के बिना डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं तो डायरेक्ट वहाँ गलती करके आते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं वही, और यहाँ पे गलती पता चलता है उसके हिसाब से अपना इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, एक दिन सिलेक्शन हो जाता है। झा सर ने आपके सिलेक्शन में कितना बड़ा योगदान दिया? सर मैंने इससे पहले ग्रुप डी ट्रैकमैन में जॉब कर रहा था, तो सर का टेलीग्राम वाले नोट्स, सर के बुक इसके जा सामान्य ज्ञान, उन्हीं से मैंने ज़्यादातर पढ़ा है। और मुझे पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता था, इसलिए 4 घंटे जितने भी टाइम मिले मैंने सर का सामान्य विज्ञान बहुत डीपली पढ़ा है। चलिए, ऑल द बेस्ट। एंड अभी हम सर से बात करेंगे, एक और चीज़ जानेंगे। सर एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जो छात्र पटना नहीं आ सकते, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, एक तरह से मान लें कि सर ऑनलाइन क्लास वो नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या सर आपका कोई स्टडी मटेरियल या फिर आपकी कोई ऐसी चीज़, आपकी बुक, आपका टेस्ट सीरीज ऐसा है जो किसी को घर बैठे सिलेक्शन दिला सकते? देखिए, आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को बेसिक लेवल पे पढ़ना होगा, उसके लिए आप हमारा आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से पढ़िए, और आस पब्लिकेशन की बुक्स आती है आप उसको फॉलो कीजिए, और बिग बूस्टर ऐप है हमारा टेस्ट के लिए आप उसको फॉलो कीजिए। सारी चीज़ें 2-3 हज़ार के रेंज में घूम रही है, आप उतना में बहुत आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पटना आ सकते हैं तो वेलकम टू पटना। यहाँ पर सर हैं और सर ने बताया किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जा सकता है, सेलेक्टेड छात्रों ने बताया कि किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जा सकता है। और चलिए, जो यहाँ पर छात्र पढ़ाई कर रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि उसे कितना बिलीव है कि इन लोगों की तरह वो लोग भी एक दिन सिलेक्शन लेकर आएंगे और इसी तरह से स्टेज पर आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? निकिता। आपको कितना बिलीव है कि जिस प्रकार से छात्र यहाँ पर आए हैं, सर को फॉलो करेंगे, सर के स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे, आप भी एक दिन वहाँ पर जा सकते हैं? हाँ, जरूर जा सकते हैं, मुझे सर पे बहुत भरोसा है, उन्हीं के दम पे हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और मुझे 100% भरोसा है सर पे और अपने आप पे कि जॉब होगा। तो आगे कुछ और छात्रों से बातें करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? तो आप इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि उस स्टेज पर जाने के लिए सेलेक्ट हो पाते वही वहाँ पर जा पाते हैं, आपको कितना प्रतिशत विश्वास है कि आप जब अगली वैकेंसी आएंगे तो वहाँ पर जा पाएंगे? सर 100% विश्वास है, 100% विश्वास है। अभी आपका कितना सिलेबस खत्म हो चुका? अभी तो मैं मतलब एक ही महीना हुआ हमको आया हुआ है, अभी एक ही महीना हुआ। अभी कितने संतुष्ट हैं? अब बहुत मतलब जानते हैं, बहुत अच्छा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद।